Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah's name, I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A poison tree. Now we are going to start a poison tree. Poison tree means zehrila darakht. Here is a story of the two people. With one of them, the poet was angry and he was a friend of the poet. He told him about the matter. The matter was clear and there is no more enmity between both of them. Next, the poet was angry with his enemy and he did not told him the cause of his enmity. So the enmity kept increasing, and until a stage rose that the other person, the enemy of the poet, had to face his death. The beautiful message by this short poem is that you should reveal your anger. You should tell the cause of enmity which is found between you, which is found between friends and between the enemies. And in this way, the enmity will definitely decrease and there will be no more problems in the life. So if you want to lead a very smooth life in your society, in your family and out of your family, just share the cause or the causes of enmity if they are found between the people, between you and your friend. Agar aapke darmiyan koi cheez hai, kisi dost se naraaz hai, zarur bataein. Kisi dushman se naraaz hai, usko zarur dushman pehle hi pata hota hai, lekin kisi dost se naraaz ho jaye to usko ek dafa zarur bata de, taaki us bande ko pata chal jaye कि ये मसला था, इस वजह से फलां बंदा मुझसे नाराज है. अगर आप नहीं बताएंगे होगा क्या? आप अपने दिल में रखेंगे और आपकी नफरत, आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं है. उसका इलाज मौत है. और मौत किस सूरत में हो सकती है? आपके रिश्ते की मौत हो सकती है. यानी कम अज कम आपका रिश्ता जो है, आपकी दोस्ती का रिश्ता या कोई भी रिश्ता है, वो जरूर, उसकी जरूर मौत होगी. तो इससे बचने के लिए, ये सोसाइटी की तबाही है, हम शेयर नहीं करते, चीज़ें शेयर नहीं करते लोगों के साथ. और जब शेयर नहीं करते तो उसका नुकसान ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. अब पॉइजन ट्री, ये जो आइडिया है ना पॉइजन ट्री का, ये उस दरख्त से लिया गया है, जन्नत के दरख्त से. जन्नत के दरख्त में आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, ईसाइयों के मुताबिक, हज़रत आदम वहाँ पर दाखिल हुए, उन्होंने सेब का दरख्त खाया, ठीक है जी. और सेब का दरख्त खाने के बाद उनको जन्नत से अल्लाह पाक ने निकाल दिया और वो दुनिया में तशरीफ, ज़मीन पर तशरीफ ले आए. अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स, वो जो दाना था, बड़ा दाना, वो गंदम का दाना था, उसके दो हिस्से खाए किए, एक हिस्सा आदम ने खाया और एक हिस्सा हव्वा अलैहिस्सलाम ने खाया. और उसके नतीजे में, चूँकि नाफरमानी हो गई, तो उसके नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया गया. लेकिन कुरान में कोई बयान नहीं किया इसको, ना बाइबल इसको बयान करती है कि कोई ख़ास है, वो एप्पल का था या वो गंदम का था. दरख्त कुरान में भी है, माजी शाजारा, ये वो दरख्त है, ठीक है जी. तो कुरान ने भी इसको बयान नहीं किया वो गंदम है. ये क्यास सराइयाँ हैं फिर लोगों की, और बड़े उलमाए किराम की, बड़े मुफस्सरीन की, ये क्या सराइयाँ हैं कि ये वो जो दरख्त था वो फला हो सकता है, गंदम का हो सकता है. यानी मुसलमानों के नज़दीक वो गंदम का है, यानी उस शोर दे आर नॉट श्योर, लेकिन उनका ये ख्याल है कि ये था, ज़्यादा इम्कान इसका है, ठीक है जी. तो ये उसका आइडिया वहाँ से लिया गया, क्योंकि उसका फल खाने के बाद इनको जुदाई का सामना करना पड़ा, जन्नत से निकलना पड़ा, ठीक. तो ये जो है पॉइजन ट्री, यहाँ पे सेब का दरख्त इसलिए कहते हैं, ये फिर सिंबल ऑफ हेट बन गया, सिंबल ऑफ हेट बन गया ना, चूंकि आदम अल इस्लाम को वहां से निकाला गया, तो ये सिंबल ऑफ हेट है. अब यहाँ पे जो उगाया गया दरख्त है, ये एप्पल है. मैंने बताया क्रिश्चियंस थिंक दैट ट्री वाज ऑफ एप्पल, इट वाज एप्पल ट्री हूज फ्रूट वाज ईटन बाय आदम एंड ईव. आदम ईव ने जो फल खाया वो सेब का था, ठीक है जी. तो ये सिंबल ऑफ हेट बन गया. अब यहाँ पे स्टोरी क्या है इसकी? इसकी स्टोरी है कि एक बंदा
अपने दोस्त के साथ नाराज था, उसको बता देता है कि भाई मैं आपसे नाराज हूँ। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार ये तुमने मेरे साथ किया। उसने कहा यार ये किया नहीं, ये हो गया था। इस तरह की जाहिर है, अगर मैं मुझे आपसे कोई शिकवा है, गिला है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे आपसे ये फलान तकलीफ है, दुख है, तो आप कहेंगे यार इसको ना जहन पे लेना, इसी वजह थी। जाहिर है कोई ना कोई रीजन तो बताएगा ना। अगर तो किसी ने अपना जो रिलेशन है वो कायम रखना है, तो डेफिनेटली ही विल टेल द रीजन, एक्यूरेट रीजन ही विल गिव यू, यार ये वजह हुई थी, इस वजह से ये काम हुआ है। तो जिसने लड़ना है उसने कहना है ठीक है भाई ये किया है मैंने काम, वो तो दुश्मन रहेगा ही। जो दोस्त होगा, जो आपका खैर का होगा, वो जरूर आपको इसकी वजह, अगर आप उससे पूछते ही नहीं है, उसको पता नहीं, आप अपने दिल ही दिल में कह रहे हैं देखे मेरे इस पे इतने एहसानात है, इसने मेरे साथ क्या किया भाई, इसको तो पता ही नहीं, उस बंदे को तो पता ही नहीं। तो मैसेज इसका यह है कि आपने बताना है। बहरहाल इसने दोस्त को बताया और दोस्त था उसकी दोस्ती बच गई। अब क्या हुआ, अब एक दुश्मन के साथ इसकी नाराजगी हो गई, बताता नहीं उसको नहीं बताया कि जनाब ये मसला हो गया है। तो अब नतीजा क्या निकला, दुश्मनी बढ़ती गई, और ये दुश्मनी का शाखसाना ये निकला कि उसने एक दरख्त लगाया, और जहरीला दरख्त, सेब का जहरीला दरख्त लगा लिया। अब दरख्त लगाने के बाद क्या करता है, दरख्त लगाने के बाद उसको पानी देता है। पानी किस चीज़ का देता है, आंसुओं का पानी देता है, दुख का पानी देता है, गुस्से का पानी देता है। इसका मतलब यह है कि अंदर ही अंदर ये बंदा जल रहा है, अंदर ही अंदर ये बंदा चाह रहा है कि मैंने उस बंदे से दुश्मनी लेनी है, उसको पानी दे रहा है, उसको मुनाफ़त की धूप दे रहा है बंदा, ठीक है जी।